तो अब इस वक्त आप अपने मोहल्ले, अपनी बस्ती, अपने गरीब के एक एक घर की खबर ले सकते हैं। कितने लोग हैं जो बाहर निकले, पुलिस वालों को रोका, उनका सर सर बहुत, आप खुद हमारे साथ चलिए, आप देख लीजिए प्लीज़। हमको ये अंदाज़ा है कि हमारे जो 40 घर के बाद वो जो घर हैं, कुछ कुछ झुग्गियाँ हैं, कुछ स्लम्स हैं, वहाँ रिक्शे वाले रहते थे, अब वो क्या कर रहे होंगे? सर ये देखिए, हम सामान लेके जा रहे हैं उनकी मदद के लिए, प्लीज़। तो ऐसे पुलिस वाले भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पुलिस वाले भी तो हमारे इंसानी भाई हैं ना भाई, उनमें भी हर मिजाज के लोग होते हैं। तो कहीं कहीं से कई जगह मुझे इतना मिली कि पुलिस वालों का, जी नहीं बिल्कुल जाइए और हम आपकी हेल्प करें। तो एक पुलिस वाला भी साथ में हो गया कि चलिए चलिए, इतना सामान लेके आप अकेले कैसे जाएंगे, हम भी चलते हैं। मेरे पास सैकड़ों फ़ोटो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों ने जब तकसीमें, अल्लाह राशन तकसीम करना शुरू किया, पका हुआ खाना तकसीम करना शुरू किया, तो मुकामी पुलिस वालों ने बहुत तआवुन किया। मैं खुद एक छोटा सा ट्रस्ट चलाता हूँ रहमान फाउंडेशन के नाम से, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ सूबों में हमारी शाखें कायम हैं, वहाँ हमारे नौजवान दोस्तों ने इसी तरह किया। उनको ऑफिशियल परमिशन जब शुरू में नहीं मिली तो वो बहुत दुआ पढ़ के अल्लाह के वालों ने रोका, तो उनका सर ये मसला है, फलां बस्ती में लोग भूखे मर रहे हैं, हम गाड़ी से उतरे जाते हैं, आप पहुंचा दीजिए, हमें तो वो सामान उन तक पहुंचाना है। उनका नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हम आपको खुद सिक्योरिटी फोर्स देते हैं, हम 3 आदमी सिपाही आपके साथ भेजते हैं और वो आप उनकी निगरानी में वो बटेगा। बहुत खुश हुए पुलिस वाले। खुद मैं जहाँ मुस्तकिल तौर पर रहता हूँ नेरल के पुलिस इंस्पेक्टर ने इतना तआवुन किया कि मुसलसल पिछले 4-6 दिन से हमारे वहाँ के साथी अतराफ की तमाम बस्तियों में वो दोपहर को निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं और पूरा सामान बांट कर आते हैं। पुलिस के लोग साथ में होते हैं, पुलिस के लोगों के जरिए से वो चीज़ें तकसीम की जाती हैं। और मैं इस मौके पर इस बात को भी कहना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि अगर हम ये पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ शहरियों के साथ आप अपने रवैये को थोड़ा बेहतर बना लीजिए, आपका इमेज बिगड़ रहा है, आप में सब ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन ज़रा हिदायत दीजिए प्लीज़। सीनियर ऑफिसर से मैं कहता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी तक खुदा करे मेरी गुजारिश पहुँचे कि वो अपने SHO से कहें कि भी बिना वजह डंडे मत मारो, बिना वजह जो लोग बेचारे किसी मजबूरी से निकले हैं उनको समझा के वापस करो। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपसे भी कहता हूँ कि बिना वजह हर वक्त इन पुलिस वालों को सिर्फ नफरत की निगाह से मत देखो। अरे भाई, उधर से अगर मोहब्बत और शराफत का आगाज़ नहीं होता तो नबी उम्मी की तालीम तो ये है ना कि तुम मोहब्बत और शराफत का आगाज़ करके उसका दिल जीत लो। चुनाचे कितने इलाकों में ये हो रहा है, मैं कहाँ उसकी तारीख इस वक्त बयान करूँ कि जब आगे बढ़कर लोगों ने कहा कि सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्लीज़ ये मसला है, ये हंगामी मसला है, फला जगह हमको ब्लड देना है मरीज को अस्पताल में, आप ज़रा प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए इजाज़त खुशी से, और ये कहा कि वापस आना तो ब्लड वाली पर्ची हमको दिखा देना ताकि हम अपने सीनियर को दे दें, क्योंकि हमारी भी जो निगरानी हो रही है कि तुमने क्यों छोड़ दिया। तो उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, यहाँ तक कि मैं किसी को ब्लेम के बगैर कहता हूँ 18-18 घंटे उनकी ड्यूटी इस वक्त ली जा रही है और कभी कभी उनको खाना वक्त पर नहीं पहुंच पाता, चाय नहीं मिल पाती, थके हुए होते हैं, 6-6 महीने, साल, 1.5 साल हो जाते हैं, वो फैमिली के पास जा नहीं पाते, उनको छुट्टियां नहीं मिलती। हमारे भाई हैं वो, उनको जब खाना ऑफर किया गया कि सर हम चाहते हैं आपके जितने भी साथी हैं उनको खाना आप जहाँ से कहें वहाँ से पकवा के ला के आपको दे दें, हम चाय आपको पिला दें, तो बहुत खुश हुए पुलिस वाले, बहुत खुश हुए और उनका रवैया बहुत बेहतर हो गया। ये फितरी सी बात है भाई, तो ज़रा ताल्लुकात को बेहतर बनाने में आप भी मदद करें। हम इस वक्त जो आपसे बात कर रहे हैं और आपके ज़रिए से समाज के मुख्तलिफ तबकात तक बात के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वो अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं जो इस वक्त जुमे की मुबारक महफिल में, मुबारक दिन में ये मुनासिब है। इसलिए इन गुजारिशात पर भी ज़रा तवज्जो दें।